हाई एवरी वन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन। माई नेम इज़ अंजलि। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इससे पहले मैं आपके साथ यूनिट वन का क्वेश्चन नंबर वन एंड टू डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अ साइंस और एन आर्ट? तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी मीनिंग, एंड देन उसके बाद डेफिनेशंस। ये आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर वन की तरह रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बेस्ड था। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका क्वेश्चन जो है 18 मार्क्स का रहेगा। सो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपने अपना आंसर लिखना है। आप डायरेक्ट वहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, साइंस और आर्ट का पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करोगे। सो अगर आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऐड करोगे, आपके जो आंसर की क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ पर मैं दोबारा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखनी है, आप वीडियो जो फर्स्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की यूनिट 1A में, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। देन उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी व्हाट साइंस इज। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ साइंस और नॉट, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म साइंस। अगर हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक साइंस है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले हमें साइंस का मीनिंग जो है वो पता लगाना पड़ेगा। साइंस इज अ सिस्टमैटिक मास ऑफ नॉलेज। तो साइंस क्या है? जिसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज को गेन करते हैं। इट इज एन एग्जैक्ट नॉलेज, इट फैक्ट्स कैन बी वेरीफाइड बिकॉज इट लॉज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना फ्रॉम विच ट्रुथ आर डिड्यूस्ड। सो जो साइंस सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें एग्जैक्ट नॉलेज मिलती है जिस भी चीज़ की हम स्टडी करते हैं, और सिस्टमैटिक तरीके से हम उस नॉलेज को गेन करते हैं, और जो भी फैक्ट होता है हम उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती हैं। इस तरीके से हम ट्रुथ जो है वो गेन कर सकते हैं। द लॉज ऑफ जर्नलाइजेशन आर मेड आफ्टर ड्यू ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, टेब्यूलेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो जो भी लॉज बनाए जाते हैं उसमें सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, देन उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसे टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, उसे जो है लॉज के फॉर्म में, फॉर्मूलाज के फॉर्म में क्रिएट किया जाता है, देन उसके बाद उसे क्लासीफाई यानी डिफरेंट कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया जाता है। देन आपने हेडिंग डालनी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ साइंस। सर्टन पीपल हैव कॉमन टू रिगार्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ साइंस। दे होल्ड दैट फॉर्मूलाज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हैव बीन डेवलप्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक साइंस सब्जेक्ट है, इसमें हम कुछ भी स्टडी करते हैं तो उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो भी फॉर्मूलाज है, प्रिंसिपल्स है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यानी अगर एक कंट्री में कोई भी सिनारियो है, कोई इवेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो वर्क कर रही है, तो वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और लॉज को फॉलो करके जो है उसमें काम किया जाता है। इट इज़ वाई एफर्ट्स आर बींग मेड टू डिस्कार्ड वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टीचेस दैट द डिफीटेड नेशंस ऑलवेज एम एट रिगेनिंग देयर लॉस्ट प्रेस्टीज। तो जब भी किसी नेशन की नेशनल पॉलिसी बनती है, उस चीज़ में इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि वॉर जो है उसको अवॉइड किया जा सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो हुई थी, उसमें नेशंस ने, जो नेशंस हारे थे, जिन्होंने अपनी टेरिटरी को लॉस्ट किया था या जिनको नुकसान हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने उसी चीज़ को दोबारा रिगेन करने की कोशिश की। दिस रिजल्ट इन अनदर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर एक बार वॉर होती है तो डेफिनेटली फ्यूचर में चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं दोबारा उसी कंट्रीज के वॉर में इंडल्ज होने के। दिस लेड टू विशियस सर्कल ऑफ हेटर्ड एंड डोमिनेशन विच नेवर एंड। सो अगर दो कंट्रीज या ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं किसी वॉर में, तो ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा हेटनेस का, क्योंकि उसमें जो कंट्री के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पर एक कंट्री फिर डोमिनेट करना चाहती है दूसरी कंट्री पर किसी भी कीमत पर, और ये ऐसा एक हेटनेस का साइकिल है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वॉर इन दिस वे नो सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। सो इसीलिए जो वॉर है वो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। दिस इज़ वाई एफर्ट्स एट डिसआर्मामेंट आर कॉन्टिन्यूली एट वर्क इन ऑर्डर टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी नेशंस हैं, सारे यही ट्राई कर रहे हैं कि डिसआर्मामेंट हो जाए, यानी जितने भी वेपन्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाए जा रहे हैं आज के टाइम में, उसे कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, ताकि वॉर के चांसेस रिड्यूस हो जाए। यूनाइटेड नेशन इज़ बींग फुली यूटिलाइज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन अ पीसफुल मैनर। आज के टाइम में UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक पीसफुल एटमोसफेयर क्रिएट किया जा सके, कंट्रीज एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें और वॉर के चांसेस रिड्यूस हो जाएं।
It is on the basis of this scientific journalization that a new era of peaceful coexistence appears to be in sight, though still far off. So scientific journalization के through ये पता लगाया गया है कि peaceful coexistence possible है. जैसे कि जो World War One and Two हुआ था, अगर उन mistakes को हम avoid करें, अगर वो सारी चीज़ें जो हैं हम पहले से ही ठीक कर लें, तो World War Three के chances reduce हो जाएंगे और nations एक दूसरे के साथ peacefully coexist कर पाएंगे. इसके लिए बहुत strict rules बनाने की ज़रूरत है international politics के अंदर, ताकि nations जो है war में involve ना हों. The efforts of President Nixon to bring about an understanding with the communist power in the shape of his visit to China and Russia in 1972 brought in a new era of better understanding through personal diplomacy. So, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के निक्सन, उन्होंने पूरी कोशिश की गई थी, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जो अमेरिका है उनके जो रिवलरी कंट्रीज हैं जिनके साथ उनकी नहीं बनती है, वो चाइना और रशिया है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, अमेरिका की आइडियोलॉजी डिफरेंट है. पर यहाँ पर 1972 के अंदर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कोशिश की थी कि वो जो अपने रिलेशंस हैं चाइना और रशिया के साथ उन्हें ठीक करें. उन्होंने वहाँ पर जाकर विजिट भी किया था 1972 के अंदर. तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम पर्सनल डिप्लोमेसी के थ्रू भी पढ़ सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो कंट्रीज डिसीजन लेती हैं कि किसको अपना गुड फ्रेंड बनाना है, किसको एनिमी बनाना है. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, ना ही परमानेंट एनिमी. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है वो बहुत जल्दी चेंज होता है. तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें पर्सनल डिप्लोमेसी भी पढ़नी पड़ेगी कि कंट्री अपने बेनिफिट के लिए किसके साथ अपने रिलेशंस और एग्रीमेंट्स जो हैं वो बना रहे हैं. द शिमला अकॉर्ड वॉज अ रियलाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टू टर्न अ न्यू लीफ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक रिलेशन डिस्पाइट वेस्टेड फॉरन इंटरेस्ट. सो शिमला अकॉर्ड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट था 1972 के अंदर, जिसमें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और वहाँ से प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो. इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था और जो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस खराब हुए थे उसको ठीक करने की कोशिश की गई थी. वैसे ही नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी कंटिन्यू मेकिंग एफर्ट टू सेटल देयर प्रॉब्लम्स बायलेटरली इन अ कॉर्डियल एटमॉस्फेयर. तो इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज आज के टाइम में डिवाइडेड हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं, पूरे एफर्ट्स करते हैं कि वो पीसफुली कोएग्जिस्ट करें, एक दूसरे की मदद करें, वॉर में इंडल्ज ना हो. जैसे कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, यहाँ पे एग्जांपल दिया है. ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, आज के टाइम में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी तो नहीं है क्योंकि वो यूनाइट जर्मनी बन चुका है, बट नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आज भी दो सेपरेट नेशंस हैं. नेक्स्ट आपकी हेडिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइंस, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज जर्नलाइजेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट अ साइंस बाय एनी स्टैंडर्ड. तो ये जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो उसको साइंस कहा जा सकता है, बट इस हेडिंग में हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक साइंस सब्जेक्ट नहीं है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है. तो उसकी जो जर्नलाइजेशन है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, जिस तरीके से उसे स्टडी किया जाता है, तो वो एक साइंस ना होकर एक आर्ट सब्जेक्ट है. सबसे पहला यहाँ पे आपने हेडिंग के नीचे फर्स्ट सब पॉइंट लिखना है अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स, और सेकेंड है अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन नेचर. सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट. द मोस्ट प्रोमिनेंट डिफिकल्टी फेसिंग अ थ्योरेटिकल इंक्वायरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द एम्बिग्विटी ऑफ इवेंट. तो सबसे डिफिकल्ट जो फेज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो इवेंट्स का होना होता है. और इवेंट्स कभी भी पहले बताकर नहीं होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि दो कंट्रीज जो है वॉर में इंडल्ज होंगे, या फिर जो भी वो नेक्स्ट एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, या अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले हैं, किसी कंट्री के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं. तो ये जो भी इवेंट्स होते हैं ये पहले से डिसाइड नहीं होते हैं, इसकी कोई क्लियर डेट नहीं होती, और ना ही इस चीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. दे हैपन ओनली वंस, नेवर बिफोर और आफ्टरवर्ड. तो जो भी ये इवेंट होता है ये एक बार ही होता है, ना उससे पहले हुआ होता है और ना ही ये बाद में रिपीट होता है. तो इसीलिए साइंस में तो ऐसा नहीं होता. साइंस में तो कोई भी चीज जो होती है उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू दोबारा जो है रिपीट कर सकते हैं, बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो ये इवेंट का रिपीट होना ये पॉसिबल नहीं होता है. इसी के साथ आपने कंटिन्यू करना है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो ये पता लगाना कि क्या चीज हो रही है और आगे उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है फ्यूचर में, इस चीज को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर. नो प्रीवियस इवेंट्स आर अ गाइड टू फ्यूचर अकरेंसेस. तो जो भी पुराने इवेंट हुए हैं उसको हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर सेम इवेंट ऐसे हुआ था, दो कंट्रीज इन्वॉल्व हुए थे वॉर में, ऐसा रिजल्ट निकला था, तो अगेन दो कंट्रीज अगर इन वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो सेम रिजल्ट निकलेगा. तो उसको हम फ्यूचर एग्जाम्पल के लिए नहीं ले सकते हैं. नो वन कुड एवर गेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज वॉट द इंटरनेशनल रिलेशन शुड बी एट द एंड ऑफ द वॉर. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो किसी को भी नहीं पता था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो
जितनी भी कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होंगे, कैसे टेरिटरीज डिवाइड होंगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसा होगा. तो जब भी एक इवेंट स्टार्ट होता है और वो जो ख़त्म होता है उसके एंड में क्या होने वाला है किसी को भी कुछ नहीं पता होता. अ सिंगल एक्ट ऑफ केयरलेसनेस कैन इवोक न्यूक्लियर वॉर एट एनी मोमेंट. किसी भी एक नेशन की हल्की सी मिस्टेक के कारण, केयरलेसनेस के कारण जो है न्यूक्लियर वॉर किसी भी टाइम जो है वो स्टार्ट हो सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. नो वन नोज व्हाट विल हैपन विद अ न्यूक्लियर वेपन इफ दे आर नॉट टू बी यूज्ड. इस चीज का किसी को भी नहीं पता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स जो आज रेस बनी हुई है नेशंस के बीच में कि कौन ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है अपनी कंट्री के लिए, अगर वो यूज नहीं होते हैं तो उनका क्या करना है. नाउ सेकंड पैरा बनाकर आप इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो. जवाहरलाल नेहरू चेरिश द होप दैट बाय कीपिंग इंडिया नॉन अलाइंट ही विल कीप इंडिया सेफर फॉर पीस. सो जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करवाया था 5 कंट्रीज के साथ मिलकर. जितने भी वीक नेशंस थे जो फ्री हुए थे किसी भी वेस्टर्न पावर के कंट्रोल से, तो जितने भी वीक कंट्रीज थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया था कि वो कभी भी 2 कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे. क्योंकि उस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रही थी 2 कंट्रीज के बीच में, एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था USSR यानी कि रशिया. तो यहाँ पर क्या कर रहे थे वो दोनों कंट्रीज अपने साथ वीक कंट्रीज को मिलाकर अपनी पावर इंक्रीज कर रहे थे. इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने नाम की शुरुआत की कि ना वो USA के साथ अपनी ग्रुपिंग करेंगे ना ही USSR यानी रशिया के साथ. इस तरीके से वो उनसे नॉन अलाइंड रहकर उन दोनों की पावर को इंक्रीज नहीं करेंगे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सेफ पीसफुल एटमोसफेयर क्रिएट होगा जिससे कंट्रीज जो है पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाएंगी. बट ही कुड नॉट फोरसी दैट इंडिया वुड हैव टू साइन ट्रिटी विद द सोवियत यूनियन इन ऑर्डर टू डिफेंड इंडिया. बट ये चीज़ हम फ्यूचर में जाके देखते हैं कि 1971 में जाकर इंडिया को USSR यानी रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है इंडिया को बचाने के लिए. क्योंकि 1971 के अंदर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी और पाकिस्तान को मदद किया था अमेरिका ने. उस टाइम पर इंडिया इतना कैपेबल नहीं था कि वो अमेरिका से फाइट कर सके, अपने आप को बचा सके. तो इसीलिए इंडिया ने उस टाइम पर ट्रिटी साइन की थी USSR यानी कि रशिया के साथ. तो जो इवेंट जवाहरलाल नेहरू ने ये सोच के स्टार्ट किया था कि हम किसी भी दोनों में से कंट्रीज के साथ ट्रिटी साइन नहीं करेंगे, ग्रुपिंग नहीं करेंगे, बट बाद में जाकर इंडिया को खुद जो है ग्रुपिंग करनी पड़ती है, ट्रिटी साइन करनी पड़ती है USSR के साथ. द बर्थ ऑफ बांग्लादेश वॉज नेवर इमेजिन बाय शेख मुजीबुर रहमान इवन वेन ही वॉज टॉकिंग टू गेटिंग सम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान. 1947 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुए थे तो उस टाइम पर जो पाकिस्तान की टेरिटरी है जो उन्होंने मांगी थी वो काफ़ी दूर थी, दोनों प्लेसेस काफ़ी दूर थी. तो जिसकी वजह से ज्योग्राफिकली ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम दोनों टेरिटरीज को एक बनाकर एक कंट्री बना दें. तो इसीलिए उस टाइम पर 2 पाकिस्तान बने थे, एक का नाम ईस्ट पाकिस्तान बना और एक का नाम वेस्ट पाकिस्तान. थोड़ा टाइम जब आगे निकला तो पता लगा कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो ईस्ट वालों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और जो ईस्ट पाकिस्तान है उनकी कुछ अपनी डिमांड थी. तो शेख मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग के वहाँ पे लीडर थे उन्होंने डिमांड उठाई कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको फ्री होना है. और इंडिया ने 1971 के अंदर इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अंदर जो है ईस्ट पाकिस्तान को फ्री करवाया और उसका नाम जो है वो चेंज होकर बांग्लादेश बना. तो यानी कि आज जिस कंट्री को हम बांग्लादेश कहते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि पाकिस्तान का हिस्सा था. और बाद में जाके 1971 में उन्होंने पाकिस्तान से फ्रीडम लेकर अपनी कंट्री को बांग्लादेश नाम दिया. तो यानी कि देखो जो इवेंट पहले हो चुका है उसका बिल्कुल भी हम अनुमान नहीं लगा सकते, प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता कि आज किसी कंट्री का कोई पार्ट है बाद में जाकर वो उससे सेपरेट होकर खुद भी एक कंट्री बन सकता है. नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट आएगा अनसर्टेनिटी of human nature. The actors on the international stage are all human beings. The nature of human being is quite uncertain. जितने भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर प्रेसिडेंट, पीएम या लीडर्स होते हैं कंट्री के वो सारे ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस की नेचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. कौन किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, किसको कौन सी बात जो है बुरी लग गई दूसरी कंट्री की, किसको फॉरेन पॉलिसी पसंद नहीं आई दूसरी कंट्री की, या किसी कंट्री के लिए अपना रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम ह्यूमन नेचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो चीज़ अनसर्टेन है. तो अगर ह्यूमन नेचर अनसर्टेन है तो जो भी वो इवेंट करेंगे वो भी तो अनसर्टेन होंगे. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइंस सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि साइंस के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होती. साइंस के अंदर तो जो भी चीज़ें होती हैं वो फैक्ट्स किस पे बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंट पे, और रिजल्ट एकदम सही निकलता है उसी चीज़ का जो हमने पहले निकाला है. बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमें नहीं पता कौन सा ह्यूमन किस वक्त
कौन सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेके आने वाले हैं, कौन सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं किसी कंट्री के अगेंस्ट। वी आर वेरी फेमिलियर विद द यूनिवर्सल फिनोमिना, व्हेन द पॉलिटिशियन चेंज देयर स्टेटमेंट द नेक्स्ट डे ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट देयर वर्ड्स हैव बीन मिस इंटरप्रेटेड। बहुत बार देखा गया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जब लीडर्स कोई स्टेटमेंट देते हैं और नेक्स्ट डे जो कंट्रीज होती हैं उसका गलत मतलब निकालती हैं, उन्हें लगता है कि ये उनकी कंट्री के अगेंस्ट बोले हुए वर्ड्स हैं और वो उनके साथ एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, ट्रेड नहीं करना चाहते, ब्लॉकेड लगा देते हैं, शायद वॉर में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एक टाइम में आप फ्रेंड हो किसी कंट्री के, दूसरे ही टाइम में आप जो है एनिमी भी हो जाते हो। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें अनसर्टेन रहती हैं। प्रेजिडेंट ऑफ द यूएसए बाय प्रोजेक्टिंग हिज इमेज टू द अमेरिकन सेट ही वॉज नियरर टू ब्रिंगिंग पीस इन वियतनाम, बट हिज री इलेक्शन द बम्बार्डमेंट वॉज मल्टीप्लाइड एंड द साउथ वियतनाम हैड बीन सप्लाइड विद सो क्वान्टिटी ऑफ आर्मामेंट्स। सो ये बात उस टाइम की है जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। उस टाइम पर जो वियतनाम कंट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक था नॉर्थ वियतनाम, एक था साउथ वियतनाम। जो नॉर्थ वियतनाम था वो यूएसएसआर के कंट्रोल में था जहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, और जो साउथ वियतनाम था वो अमेरिका के कंट्रोल में था जहाँ पर कैपिटलिज्म जो थी आइडियोलॉजी फॉलो की जाती थी। उस टाइम पर जो रिचर्ड निक्सन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने सिटीजन से ये कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वियतनाम में पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो सके और जो साउथ वियतनाम के लोग हैं उन्हें जो है बिल्कुल भी हार्म ना हो। तो जैसे ही उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया, लोगों ने उन्हें वोट दिया, और जैसे ही वो जीतते हैं वहाँ पर जो बम्बार्डमेंट है यानी बॉम्ब्स गिराने, वॉयलेंस, वो सारा इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिकन के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने वेपन सप्लाई करने शुरू कर दिए साउथ वियतनाम के लोगों को ताकि वो नॉर्थ वियतनाम के लोगों के साथ वॉर कर सके। सो बेसिकली उन्होंने प्रॉक्सी वॉर करवाई थी अपने बेनिफिट के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए रशियन कंट्री को। वॉज बियॉन्ड द गेस ऑफ एनीबडी व्हाट प्रेसिडेंट निक्सन हैड इन माइंड। तो कोई ये गेस तक नहीं कर सका कि प्रेसिडेंट निक्सन जो है उनका क्या एम है वियतनाम कंट्री को लेकर। सो ह्यूमन नेचर इन दिस वे बिकम एम्बिगुअस, अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो इस तरीके से जो ह्यूमन नेचर होती है उसको बिल्कुल भी प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता कि एक ह्यूमन किसी भी इवेंट में एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो मेन पर्सन होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वही तो उसको चलाते हैं और उन्हीं की नेचर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं ये साइंस में नहीं होती हैं। तो इसीलिए ये चीज़ शो कर रही है कि एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, एक साइंस सब्जेक्ट ना होके एक आर्ट सब्जेक्ट जो है, कला है कि किस तरीके से आपने कंट्री को चलाना है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपने पैरा बनाना है प्रेजिडेंट भुट्टोज डिक्लेरेशन ऑफ अ सीरियस डायलॉग विद इंडिया एंड द इंटेंशन ऑफ इंडिया इन ब्रिंगिंग ड्यूरेबल पीस ऑन अ सब कॉन्टिनेंट लेड टू शिमला अकॉर्ड बिटवीन द टू नेशन। सो यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट साइन करते हैं और दोनों कंट्रीज का एम यही रहता है कि पीसफुल एटमोसफियर क्रिएट हो सके एशियन कॉन्टिनेंट पे। भुट्टो वॉज वेरी असर्टिव इन इम्फेसाइजिंग एट शिमला दैट पाकिस्तान विल फाइंड हर सेल्फ अलूफ इफ शी डिड नॉट रिकोगनाइज बांग्लादेश बाई अगस्त 1972। सो जुल्फिकार अली भुट्टो को ये लगा कि अगर वो बांग्लादेश, जो उन्हीं का पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान, और बांग्लादेश बनता है उनसे सेपरेट होकर, अगर उसे रिकोगनाइज नहीं करते, अगर उसे जो है सहमति नहीं देते हैं, तो वो अकेले पड़ जाएंगे पूरे एशियन कॉन्टिनेंट पे। इसीलिए जो पाकिस्तान होते हैं बांग्लादेश को रिकोगनाइज करते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान मेड एवरी एफर्ट टू चेक द एंट्री ऑफ बांग्लादेश इनटू द यूनाइटेड नेशन थ्रू द वीटो ऑफ चाइना। बट दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है कि बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का मेंबर ना बन सके, और उसकी वो उस चीज में वो किसकी मदद लेते हैं, चाइना की। यूएनओ के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास स्पेशल पावर है, जो किसी भी डिसीजन को पलट सकते हैं, और पाकिस्तान ने चाइना की मदद ली थी पूरी ताकि वो बांग्लादेश को यूएनओ का मेंबर ना बनने दें। तो एक तरफ वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ठीक है, हम मानते हैं, हम सहमति दे रहे हैं कि बांग्लादेश हमारा, ईस्ट पाकिस्तान हमारा हिस्सा था और हम उसको सेपरेट करके एक नई कंट्री बनने दे रहे हैं, और साथ ही साथ वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि वो यूएनओ का मेंबर ना बने। अब यूएनओ का मेंबर अगर कोई नहीं होता तो वर्ल्ड में वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, वो बेनिफिट्स नहीं ले पाएगा, दूसरी कंट्रीज उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगी। तो यूएनओ का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, जो पाकिस्तान के उस टाइम पर प्रेजिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पर ड्यूअल पॉलिटिक्स जो थी वो खेली थी। भुट्टो वॉज आस्क टू कमेंट ऑन दिस आस्पेक्ट, हिज रिप्लाई वॉज दैट द जर्नलिस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। जब जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज अ
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जब उनसे ये पूछा गया कि आप ड्यूअल पॉलिटिक्स खेल रहे हो, एक तरफ तो आप सहमति दे रहे हो, दूसरी तरफ आप चाइना की मदद से बांग्लादेश को मेंबर नहीं बनने देना चाहते, तो जर्नलिस्ट ने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने क्या बोला कि जो जर्नलिस्ट हैं वो आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे। इवन इंडिया ट्राइड फॉर सम टाइम टू एक्सप्लेन अवे हिज कन्फ्यूजिंग अटेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिफिकल्टीज इन पाकिस्तान। इंडिया ने भी उस टाइम पर अपना स्टैंस रखा और ये बताया कि जो पाकिस्तान है एक्चुअल में उनका मेन मकसद क्या है, वो बांग्लादेश को क्यों फ्री नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उसी का ही पार्ट था, उसको अलग कर कर जो उनको टेरिटरी का लॉस हुआ है वो दोबारा से उसको गेन करना चाहते हैं। बट मिसेस गांधी हैड अ लास्ट कम आउट विद द असर्शन दैट पाकिस्तान डिड नॉट अपीयर टू बी सीरियस अबाउट द शिमला अकॉर्ड, मे बी अंडर प्रेशर फ्रॉम सर्टेन बिग पावर्स। तो अल्टीमेटली एंड में इंदिरा गांधी ने यह कह ही दिया था कि जो शिमला अकॉर्ड एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1972 को लेकर, उसके लिए पाकिस्तान सीरियस नहीं था। उन्होंने शिमला अकॉर्ड इसीलिए किया क्योंकि जो बड़े सर्टेन पावर्स थे जो उस टाइम पे अमेरिका रशिया थे, उन्होंने जो है उस टाइम पे फोर्स किया था। उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ वो एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करना पड़ा, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ से पता लगता है कि ह्यूमन नेचर कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक साइंस ना होकर एक आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। नाउ एंड में कॉन्क्लूजन 3 to 4 lines एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड, इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लाइंस जो है अंडरलाइन कर दी हैं कॉन्क्लूजन की, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और योर सिलेबस, प्लीज़ कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे।